दो फुट का ले ले आगे बड़ा पाइप ले लेंगे। ठीक है थोड़ी बहुत अंकू माइक ले लाइव है इसमें माइक दे दे मैं माइक दे दे उसके नाम आगे लिखवा दे उन्होंने साफ कहा है यहाँ थोड़ा नाम दे दे लोग आएंगे जाएंगे बेशक सरकार लाइन मतलब सबसे में होता है आगामी जो आगे जाके नाम लिखवा दे वहाँ पे स्वाधीन आवे मैं ले बड़ी बात है राज्यपाल के लिए ज्ञापन देना था आपने बहुत स्थिति क्लियर थी कोई इसमें वाद विवाद नहीं था और खाली आते सारे लोग उसके बावजूद क्यों रोक दिया। ये सरकार का तानाशाही रवैया ये समझ से बाहर है। ये मैं पिछले 24 दिन से अपने भाषणों में मीडिया के सामने बोल रहा हूँ 18 तारीख को अपना ज्ञापन दूंगा प्रदेश की स्थिति से अवगत कराऊंगा। मैंने तो शांतिपूर्वक वहां देना था और जिस प्रकार का रवैया हरियाणा सरकार के आदेश पर पुलिस ने यहाँ किया है ये लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों को हनन और ये तानाशाही रवैया है। इतनी भीड़ रैली में नहीं होगी जितनी पुलिस की यहाँ तो वो इनको क्या डर है। मैंने तो प्रदेश की स्थिति जो लहूलुहान है मेरा प्रदेश उसकी उन चीजों से महामहिम को अवगत कराना था अपना ज्ञापन देना था। मैं तो कोई बम लेके नहीं जा रहा था मैं कोई वहां उनसे लड़ाई करने नहीं जा रहा था मैं तो हाथ जोड़ के महामहिम के उन्होंने कहा अंदर 5 आदमी आएंगे हमने 5 ही आदमी के लिए एग्री कर लिया था गवर्नर हाउस में सिर्फ 5 लोग जाएंगे हमने कोई लड़ाई करने का कोई और कुछ करने के उससे नहीं आए हमारा तो जस्ट एक ज्ञापन उसको देने के लिए जो हम वहां जा रहे थे उसमें हरियाणा सरकार को तकलीफ ये सच्चाई है इसको आज पूरा प्रदेश जान चुका है। इस बात से वो ज्ञापन के डर से वो सच्चाई वहां जा रही है मीडिया में आएगी ये तो ये पूरा प्रदेश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। आज प्रदेश की नीतियों की वजह दोनों गठबंधन की जो है ना सरकार के जो है ना लूट और झूठ की बातों ने इस प्रदेश को लहूलुहान की सरकार के कुंडों को रोकना पड़ गया इतनी भारी पुलिस फोर्स के साथ ये आपके सामने है। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं मैं कुछ हथियार तो नहीं ले रहा ये तो ये लोगों की जो है ना इनकी नीतियों के प्रति जो गुस्सा है वो ऐसा गुस्सा है लोकतंत्र के अंदर उस हथियार का वो बटन दबा के काम करेंगे और इनको इनके घर बैठाने का काम करेंगे ये मैं बता रहा हूं आपको। ये चिंगारी के अंदर आज ये इस प्रकार की हरकत करके व्यवस्था परिवर्तन की चिंगारी में आग में घी डालने का काम किया है ये और ज्यादा भड़क के जो है ना ज्वालामुखी बन के फटेगी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बलराज कुंडू को रोक लिया गया है बॉर्डर पर ही पीछे इतनी भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है इतने तो यहाँ पे रैली में भी नहीं थे लोग इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं किस तरह से बलराज कुंडू को रोक लिया गया है बॉर्डर पे और ये देखिए मेरे पीछे किस तरह से पुलिस प्रशासन ने कितनी पुख्ता तैयारी की है और ये एक बार जो है वो बलराज कुंडू बोलने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं शांति दे भाई देखिए भाई देखिए चल ये कहना है क्या कहना है अच्छे काम कर रहे हैं अच्छा आदमी है पुलिस ने रोक दिया अब पुलिस ने रोक दिया खाली हाथ थे कोई किसी ने से दादे ने रे दादे अनुराग क्या कहना है रोक लिए पुलिस ने यहाँ पे
देखिए ये सरकार की तानाशाही है, जो सरेआम जो है ये आपको दिखाई दे रही है मीडिया के माध्यम से, आप देख पा रहे हो कि विधायक बलराज कुंडू जी को एक विधायक हरियाणा के, और इस प्रकार से विधायक को रोकना शर्मनाक है और सरकार डरी हुई है। हम बटन की चोट पर इसका जवाब देने का काम करेंगे। जय हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये 10 लोगों को अलाउ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लड़ाई करने नहीं आए, हम लोकतंत्र के साथ और प्यार शांति के साथ इस प्रदेश की हालात में महामहिम को देने जा रहा हूँ। आप लोग आराम से जाके अपनी गाड़ियों में बैठकर घर की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ 3-4 दिन के बाद में सबके पास में, फिर ठीक है, चिंता मत करना। अब अलाव अब नहीं कर रहे, हमने जो है ना अपना मर्यादा रखी, इन्होंने मर्यादा तोड़ी है, हम मर्यादा में रह के बात करेंगे। हम कोई नहीं, मैं वो देने जा रहा हूँ, आप बलराज कुंडू ने अपने साथ आए सभी लोगों को वापस लौटने के लिए कह दिया है, और फिलहाल जो है वो लोग वापस लौट रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। वापस जाने की कह दीजिए कुंडू ने, नहीं वहां से आदेश आ गया, 5 आदमी आ गया ज्ञापन दे जो, वो फिर इतनी पुलिस फोर्स लगानी जरूरी थी, वो तो प्रशासन का काम है भी, वो क्या चाहते है भी? ये खट्टर सरकार क्या चाहती है? खट्टर सरकार चाहती है कोई गलती करे हम इनको मतलब जो पहुंचे इनको लांछन लगाएं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हम यही चाहते थे कि मतलब ये या तो हम ये कहे वो 5 आदमी आओ आप ज्ञापन दे जाओ, उन्होंने आदेश दिया तो हमने कह दिया ठीक है हम आज। लेकिन बड़ी बात है आप लोग वहां से पैदल चल के आ रहे थे, मकसद तो राज्यपाल भवन पहुंचने। देखिए इस सरकार का एक मकसद रहा, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे खट्टर सरकार हो, बैरियर लगाना, दूसरे को टारगेट बनाना, जनता को बेवकूफ बनाना। दिल्ली के अंदर टिकरी बॉर्डर के ऊपर किले गाड़ी और जनता को बनाया कि जनता ने किले गढ़वा दी, क्यों? प्रशासन क्या कर रहा था वहां? किले गाड़े प्रशासन भुगते जनता, वही काम यहाँ पे करवा रहे हैं ये, हम नहीं करना चाहते थे इनके साथ ये बहस। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, आप देख सकते हैं सारी जनता अब उल्टी जा रही है, जितने भी साथी बलराज कुंडू के साथ पहुंचे थे, क्या कहना है जी? भाई साहब हमारा ये कहना है, पहले तो मोदी सरकार ने किसानों के साथ तानाशाही करी, फिर सरपंचों के साथ की, पार्षदों के साथ की, अब आने वाले टाइम में जनता जाग चुकी है और जनता भाई साहब के साथ थी, भाई साहब ज्ञापन देने जा रहे थे, कोई जुर्म नहीं कर रहे थे, इस हरियाणा की आवाज को भाई साहब ने उठाया था, लेकिन इस सरकार की तानाशाही ने आगे बैरियर अड़ा के रख दिए। ये कोई कानून में नहीं लिखा कि अगर कोई विधायक आके अपने हरियाणा का लेखा जोखा यहाँ पे ज्ञापन के तहत देने का काम करेगा और उसके सामने आके बैरियर रख दिए जाएंगे, तो ये कौन सा कानून नहीं है? अपनी सरकार अपनी तानाशाही कर रही है। आने वाले टाइम में हरियाणा का एक एक नौजवान आदमी, हरियाणा का एक एक बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति बटन की चोट लगा करके इस सरकार को आगे का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, इस हरियाणा से भगाने का काम करेंगे। इतना गुस्सा सरकार के प्रति? भाई साहब इतना गुस्सा हमारा जायज है, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने, तो सरपंचों की जो पावर थी वो आपने देखा होगा, देवेंद्र बबली का एक बयान आया था कि अगर सरपंच इस पे काम नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे, तो मैं पंचों को पावर दे दूंगा, जिला परिषद के चेयरमैनों की पावर लेके नीचे पार्षदों को पावर देने का काम कर रहे हैं। अगर यही काम करना है तो सरपंच बनाने की इनको जरूरत क्या थी, पार्षद बनाने की इनको जरूरत क्या थी, तो वैसे ही अपना काम कर देते, किसी आम नागरिक को गांव में सौंप देते लेखा जोखा। तो इस कारण से हमारा गुस्सा है, ये सरकार सिर्फ अपनी और अपनी तानाशाही चलाने का काम कर रही है, ये किसी के मतलब ये नहीं देखती कि क्या ये कानून सही है या नहीं है, सिर्फ इन्होंने जो बोल दिया वही सही है, वही इनका कानून लागू होगा। क्या कहना है आप लोगों का? बहुत बड़ी बात है, आप देख सकते हैं सभी जो है जितने भी लोग
बलराज कुंडू के साथ आए थे रैली के बाद, वो सभी चाहते थे कि हरियाणा भवन जाएं और जिस तरह से ज्ञापन सौंपना था, लेकिन वो इनकी तमन्ना नहीं पूरी हुई है, गवर्नर हाउस पहुंचना था और अब ये लोग वापिस लौट रहे हैं। लेकिन बलराज कुंडू अपने कुछ साथियों के साथ वहां पे गए हैं, 5-7 साथियों के साथ, वो अब वहां पे जाके वो ज्ञापन देंगे। और ये देखिए छोटा सा बच्चा, ये है, क्या नाम है बेटा? लक्ष्य। लक्ष्य उल्टाना पड़ा बेटा? उल्टाना नहीं पड़ा, सरकार जाने ना देती। अच्छा, जाने नहीं दे रहे? हाँ। तो बेटा तू कर इतना रंग लपेटे कैसे? बलराज कुंडू का इतना बड़ा आई लव यू लिखा? मैं बड़ा फैन होने के नाते लिखा था। अच्छा, फैन है बलराज कुंडू का? हाँ। क्या कर दिया है? बलराज कुंडू ने बेटियों के लिए 18 बस चला रखी है। अच्छा। हाँ। तो उसमें आप तो नहीं गए होगे कभी? अरे हरिद्वार जा रहे हम तो। अच्छा, हरिद्वार जा रहा हूँ दस में। तो बढ़िया लगा बलराज कुंडू? अरे भगवान ते भी प्यारा। ओहो, इतना लड़ लग कर घर क्या ना तो नहीं कहीं लू कहना बलराज कुंडू का? अरे बलराज कुंडू मारा लगा कर प्यारा भी करना लग। अच्छा, मजा आ रहा है? एंडी तो सारा पैदल चल रहा है यात्रा में? नांगल चौधरी से चल। क्या बात है, स्कूल में नहीं गया? क्या था ये सर कह रहे मैम ने कर एमएस भी एक करवा से खातर लाइन मान रहे। ओए हो हो हो, फिर पट के क्या करा तो सरकार बदलो। अच्छा, सरकार बदलो फिर पटेगा? और देखो कितनी बड़ी बात कही है बच्चे ने कि पढ़े लिखे बेरोजगार हंडल लाग रहे हैं तो यो के करेगा पट गए है ताऊ के कहना है? क्या कहना है? अच्छा, क्या नाम है बेटा? अर्पित। अर्पित, आप भी साथ चल रहे थे? अच्छा, क्या कहना है, अब वापिस जा रहे हो? क्या नाम है? लिल्लू भाई। क्या कहना है, वापिस भेज दिया है सभी को? वापिस राज्यपाल ज्ञापन सौंपना था, हमारी यात्रा पूरी हो गई थी, उन्होंने मान लिया कि भाई बस 10 आदमी आ जाओ, पहले वो 5 आदमी कह रहे थे लेकिन उसमें माने नहीं, अब उन्होंने 10 आदमी कह दी 10 आदमी आ गया दे जाओ, वो 10 आदमी चले गए। बाकी पुलिस फोर्स पूरी लगा दी थी? पुलिस फोर्स तो कोई श्याम करना थे, पुलिस फोर्स से हम कोई लेने वाले नहीं थे, पुलिस तो यहीं से रोकना शुरू कर दिया था हमको, पुलिस तो हमने हंगा नहीं करना था, हम तो रूल के हिसाब से चलना था, पुलिस तो हम। हाँ बिल्कुल शांति। तो के बदलाव चाहो आप, कुंडू का साथ क्यों दे रहे? कुंडू का साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए दे रहे हम, सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, सब कुछ दुखी हो रहा है, सारा हर आदमी सड़क को पुरा रहा है, कर्मचारी है, जमींदार है, व्यापारी है, कोई भी तो नहीं बच रहा, चाहे को ग्रामीण चलता है चाहे को गरीब है, गरीब भी देख लो महंगाई कितनी हो रही है, गरीब का कितने काम चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तस्वीरें इस समय आप पंचकुला से लाइव देख पा रहे थे, बलराज कुंडू जो है वो कॉर्नर हाउस जा चुके हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर जुड़ेंगे आपके साथ, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें।